ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। दोस्तों आज मैं कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो को बना के दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस तरीके के लिरिक स्टेटस वीडियो को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखिए क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन है इसको दबा देना है और 16:9 का रेशियो लेकर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों इमेज में जाना, एक बैकग्राउंड इमेज ले लेना है जिसका लेंथ कुछ जितने समय का आप वीडियो बनाना चाहते हैं उतने समय का कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें साउंड को यहाँ पे ऐड करना है, जिस साउंड पे हमें वीडियो बनाना है। इसके लिए ऑडियो में जाना है और साउंड को ले लेना है। तो ये हमारा वो साउंड है, इसे सिंपली हमें ले लेना है और हमें अपने पहले लिरिक की लाइन को लिख लेना है। इसके लिए लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और उस पहले लिरिक लाइन को लिख लेना है और इसे ओके कर देना है। इसके बाद इसे खींच के बड़ा कर देना है थोड़ा। और दाहिनी तरफ देखिए डबल ए का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है और माई फॉन्ट में जाना है और आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। मैंने ये वाला फॉन्ट लगाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये फॉन्ट ऐड करना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो वो आप जान जाइए कैसे इसमें काइन मास्टर में फॉन्ट को ऐड करते हैं। तो सिंपली मैं बैक चला जाता हूँ, मैं इस फॉन्ट को ऐड कर लिया, कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें दाहिनी तरफ जाना है, आपको आउटलाइन दिख रहा है, ये देखिए आउटलाइन, इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है और इसको 8 कर देना है, कुछ इस तरीके से 8 कर देना है, इस तरीके से रखना है। और ये जो कलर है इसे हमें वाइट कर देना है, ये ब्लैक से वाइट कर देना है और इसे ओके कर देना है, कुछ इस तरीके से होगा। फिर बाहर जाएंगे और फिर से इस लेयर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये जो वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे दाहिनी तरफ और इसे हमें सिंपली ब्लैक कर देना है और ओके कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें अपने सॉन्ग के अनुसार सुन के हमें उसे यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ तक हमारा ये हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो सिंपली इस पर टैप करना है और दाहिनी तरफ कैंची का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे ट्रिम टू राइट अप लेट कर देना है। तो इसे घींच के थोड़ा दोनों उंगली से घींच के बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमें बाहर क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करना है। लेयर में देखिए इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और हमें ये देखिए डस्ट स्टॉर्म ये वाला डाउनलोड कर लेना है। डस्ट स्टॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, आप आसानी से ऊपर ये जो स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डस्ट स्टॉर्म इस तरीके से हमें कर लेना है और इसे फुल स्क्रीन इस तरीके से कर देना है और बाहर हमें चले जाना है। फिर से डस्ट स्टॉर्म वाले लेयर पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और इसके स्ट्रेंथ को कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से इतना रखना है हमें इस तरीके से ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ये हमें यहाँ इस प्रकार से रखना है, इस तरीके से रखना है और ये फेड को 2 रहने देना है हमें, कुछ इस तरीके से ये सेटिंग रहेगा। स्ट्रेंथ 19 और एंगल 38 और ये फेड 2 कर लेना है, 3 हो जा रहा है बार बार। तो कुछ इस तरीके से ये सेटिंग रहेगा। इसके बाद दोस्तों लेयर में क्लिक करना है और हैंड राइटिंग का ऑप्शन देखिए इस पर क्लिक करना है और हमें इसमें कलर को फ्लैग वाले नेशनल फ्लैग वाले हमारे कलर को ऐड कर लेना है। इसके लिए देखिए ब्रश हमें सिलेक्ट करके रखना है और ये सर्कल में बड़ा हमें करके रखना है और कलर को इस पर क्लिक करना है। तो ये पहला वाला कलर हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर से कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, इस बार हमें वाइट करना है और ओके कर देना है और यहाँ पे हमें ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर से कलर वाले लेयर पे क्लिक करना है बॉक्स पे और इस बार हमें ग्रीन करना है, तो ग्रीन इस तरीके से कर लेना है और फिर से हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद फिर से हमें वो कलर वाले हैंड राइटिंग वाले लेयर पे क्लिक करना है और दाहिनी तरफ देखिए ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा।
इसके बाद दोस्तों हमें आप सोचेंगे कि टेक्स्ट कहाँ चला गया, तो वो टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है और बाईं तरफ देखिए थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हमें ये जो हैंड राइटिंग वाला लेयर है इस पर क्लिक करना है और बाईं तरफ थ्री डॉट्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसे ब्रिंग टू फ्रंट, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये कलर इसमें ऐड हो चुका है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ इस तरीके से ये रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। अब दोस्तों इसमें हमें थोड़ा एनिमेशन कर लेना है, इसके लिए पहले ही हमें कर लेना चाहिए था। इसके लिए इन एनिमेशन में जाना है और दाहिनी तरफ ये जो वाइप राइट है ये इस तरीके से कर लेना है, दोनों में कर लेना है। इन एनिमेशन में जाना है और ये वाइप राइट का ऑप्शन जो है इसे कर लेना है, कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से ये रहेगा। और ये थोड़ा बड़ा हो चुका है तो इसे हमें कट कर लेना है लेयर के अनुसार, और दाहिनी तरफ ट्रिम टू स्प्लिट, ट्रिम टू राइट अप प्लेट कर देना है और इसे भी इस तरीके से ट्रिम टू राइट अप प्लेट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस प्रकार से आप इस तरीके के स्टाइल को कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें अपने साउंड के अनुसार, आप साउंड को सुन लीजिएगा और सुन के लेयर के अनुसार सजा लीजिएगा। तो एक एक करके हमें कॉपी कर लेना है। पहले कॉपी करना है कैसे, हमें इस पर क्लिक करना है और बाईं तरफ थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाले लेयर को क्लिक करके यहाँ पे हमें घींच के इस तरीके से लेके आना है, कुछ इस प्रकार से लेके आना है और एकदम हमें यहाँ पे अपने कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है। यहाँ से हमारा दूसरा लाइन शुरू होता है यहाँ तक, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको साउंड सुन के यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद हमें इसको चेंज कर लेना, इसके लिए कीबोर्ड देखिए दाहिनी तरफ दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और जो लाइन है उसको लिख लेना है, इस तरीके से लाइन को लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों फिर से ये जो डस्ट स्टॉर्म है इस पर क्लिक करना है और बाईं तरफ थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाले लेयर को खींच के यहाँ पे लेके आना है और फिर से इस हैंडराइटिंग वाले लेयर पे क्लिक करना है, बाईं तरफ थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है, इसे भी खींच के यहाँ पे लेके आना है और इसे सजा लेना है। देखिए इस लेयर के अनुसार हमें सजा लेना है, जैसे हमने कॉपी लेयर सजाया उस तरीके से इसे खींच के इस तरीके से सजा लेना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए फिर से इस वाले लेयर पर क्लिक करना है और इसे बाईं तरफ थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है और ये हैंडराइटिंग वाले लेयर पर क्लिक करना है और इसे बाईं तरफ थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक एक करके लेयर को सजा लेंगे। कॉपी करना होगा, सिर्फ एक बार आपको लिखना है और उसके बाद सारा कॉपी कर लेना है इस तरीके से, और वर्ड को चेंज करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बड़े आसानी से इस तरीके की वीडियो को बना सकते हैं। देखिए मैं कुछ इस तरीके से बना के दिखाया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसे सेव और शेयर करने के लिए देखिए दाहिनी तरफ जो एरो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के रेजुलेशन को चुनकर सिंपली इसे सेव कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े आसानी से इस प्रकार की वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।